भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री श्रीयुत नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण पूरे देश की स्वास्थ्य सेवाओं में अभूतपूर्व विकास हुआ है। देश में एम्स अस्पतालों की संख्या 2014 के बाद 7 से बढ़कर अब 22 हो गई है और मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 648 हो गई है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जन औषधि केंद्र जैसी पहल हर नागरिक की स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकताओं को पूरा कर रही है और डबल इंजन सरकार की तेज रफ्तार के साथ ये सभी योजनाएं महाराष्ट्र के लोगों के लिए बड़े पैमाने पर लाभकारी साबित हो रही है। राष्ट्र की सेवा के लिए अथक परिश्रम करने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के काम करने के तरीके को महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी और माननीय उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने भी अपनाया है। मुंबई शहर एवं उपनगरों की बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए मुंबई उपनगरों में आरोग्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पनाओं के अनुसार 17 नवंबर 2022 को हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे आपला दवाखानों का लोकार्पण हुआ और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कुल 20 नए हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे आपला दवाखानों का लोकार्पण होने जा रहा है। साथ ही उपनगरों में बृहत मुंबई महानगर पालिका द्वारा वर्तमान अस्पतालों के सुधार हेतु विभिन्न परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, जिसमें मुख्य है भांडुप मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, जहां 360 बेड वाला अस्पताल आकार लेगा, जो करीबन 10 से 12 लाख नागरिकों को आरोग्य सेवाएं प्रदान करेगा। गोरेगांव के सिद्धार्थ हॉस्पिटल का भी होगा पुनर्विकास, जिसमें कुल 306 बेड की सुविधा होगी। ये अस्पताल 8 से 10 लाख नागरिकों को आरोग्य सुविधाएं प्रदान करेगा। अस्पतालों के साथ साथ प्रसूति गृहों के पुनः निर्माण का भी सरकार का लक्ष्य है, जिसमें मुख्य है ओशिवारा मैटरनिटी हॉस्पिटल, जिसमें 11 मंजिला भवन का निर्माण होगा, जिसका लाभ 3 लाख से अधिक जनसंख्या को मिलेगा। मुंबई तथा महाराष्ट्र के लिए ये गर्व की बात है कि आज इन दो अस्पताल तथा प्रसूति गृह का भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री श्रीयुत नरेंद्र मोदी के कर कमलों से किया जा रहा है।